हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हमने स्टार्ट किया था आपके एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर थर्टीन वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और ये है पार्ट टू वीडियो पार्ट वन में हमने पेज नंबर 170 से लेकर पेज नंबर 173 तक आधे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे हम पढ़ेंगे करुण्या द लैंड के बारे में लैंडलॉट जिसके पास बहुत सारे फील्ड होते हैं करुण्या बॉट थ्री फील्ड्स उसने तीन फील्ड ऐसे खरीदे हैं जो यहाँ पे दिखाया हुआ है सभी फील्ड्स का जो लेंथ और ब्रेथ है वो भी हमें देखने को मिल सकता है अब इसके ऊपर हम हमारे क्वेश्चंस को देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द थ्री फील्ड्स अब एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ तो सभी फील्ड्स का हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हम इन्हें मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट करते हैं सो अस राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट फॉर फील्ड ए लेंथ ऑफ फील्ड ए यहाँ पे हमारे पास 27 मीटर दिखाया हुआ है फील्ड ए का लेंथ है 27 मीटर ब्रेथ ऑफ द फील्ड ए इज 28 मीटर तो वो भी हमने यहाँ पे 28 मीटर लिख लिया एरिया का फॉर्मूला हैल्टीप्लाई बाई ब्रेथ विच इज 27 सेवन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट लेट एस डू दिस मल्टीप्लीकेशन और इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमें आंसर मिलता है 756, हंड्रेड फिफ्टी सिक्स विच इज द एरिया ऑफ फील्ड ए एरिया ऑफ फील्ड ए इज सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स स्क्वायर मीटर ये यूनिट लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है नाउ नेक्स्ट इज फील्ड बी फील्ड बी का लेंथ दिया हुआ है थर्टी सिक्स मीटर एंड उसका ब्रेथ है ट्वेल्व मीटर एंड फार्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ विच इज थर्टी सिक्स मीटर मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व मीटर यहाँ पे हम हमारा मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व वन कैरी थ्री टू जॉ सिक्स प्लस वन सेवन देन सिक्स वन जा सिक्स एंड थ्री वन जा थ्री इनको हम करेंगे ऐड टू सेवन प्लस सिक्स थर्टीन वन कैरी थ्री प्लस वन इज फोर सो एरिया ऑफ फील्ड बी इज 432 स्क्वायर मीटर नाउ लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ फील्ड सी लेंथ ऑफ फील्ड सी इज 27 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड सी इज 19 मीटर सो वी विल ऐड 27 विथ 19 सो एरिया ऑफ फील्ड सी इज 513 स्क्वायर मीटर तो वही हम यहाँ पे बुक में लिख लेते हैं फील्ड ए का एरिया हमने कितना निकाला था 756 हंड्रेड फिफ्टी सिक्स स्क्वायर मीटर फील्ड बी का एरिया था फोर हंड्रेड थर्टी टू स्क्वायर मीटर एंड फील्ड सी का एरिया था फाइव हंड्रेड थर्टीन स्क्वायर मीटर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ नाइन्टी फाइव रुपीज़ फॉर अ स्क्वायर मीटर फील्ड बी एट द रेट ऑफ रुपीज़ वन फॉर अ स्क्वायर मीटर एंड फील्ड सी एट द रेट ऑफ रुपीज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी फॉर अ स्क्वायर मीटर यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री फील्ड अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अगर वन स्क्वाटर लैंड की कीमत रुपीज नाइन्टी फाइव है यह है फील्ड ए के लिए तो फिर हमने कितना टोटल लैंड निकाला था फील्ड ए का सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स टोटल सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर जो लैंड है करुणिया का वो लैंड उसने कितने में खरीदा तो अगर वन मीटर स्क्वायर की कीमत नाइन्टी फाइव है तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत कितनी होगी सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी फाइव है ना तो उसी तरीके से हमें फील्ड बी और फील्ड सी का भी निकाल लेना है और उसके बाद उन सबको ऐड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री फील्ड्स तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वन बाई वन सो रेट ऑफ वन मीटर स्क्वायर ऑफ़ फील्ड ए इज़ रुपीज़ नाइन्टी फाइव रेट ऑफ़ सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मीटर स्क्वायर ऑफ़ फील्ड ए इज़ रुपीज़ सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई नाइन्टी फाइव अब स्क्वायर मीटर को हम ऐसे लिख के भी लिख सकते हैं वर्ड्स में और इस तरीके से एम लिख के एम मीटर को डिनोट करता है और ऊपर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर सेम लेट लेटेस मल्टीप्लाई सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स बाई नाइन्टी फाइव और इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमें क्या आंसर आया रुपीज सेवेंटी सो द कॉस्ट ऑफ फील्ड ए इज रुपीज सेवेंटी अब हम फील्ड बी का इसी तरीके से निकाल लेते हैं रेट ऑफ वन मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड बी इज रुपीज हंड्रेड टेन सो द रेट ऑफ फोर हंड्रेड थर्टी टू मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड बी इज फोर हंड्रेड थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड टेन लेट डू दिस मल्टीप्लीकेशन और इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आया फोर्टी सो दील्डीट ऑफ वन मीटर स्क्वाजन हंड्रेड ट्वेंटी जो बुक में दिया हुआ है सो द रेट ऑफ टोटल फाइव हंड्रेड थर्टी मीटर स्क्वायर ऑफ फील्ड सी जो करा था उसकी कीमत कितनी होगी 513 हंड्रेड थर्टीन मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड ट्वेंटी सो लेट मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड थर्टीन विथ वन हंड्रेड ट्वेंटी और इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमें आंसर आया सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी सो द कॉस्ट ऑफ फील्ड सी इज रुपीज सिक्सटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी अब हमें इन तीनों को कर देना है एड दैट इज कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री फील्ड कॉस्ट ऑफ फील्ड ए कितना था रुपीज थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी सो राइट सेवेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी कॉस्ट ऑफ फील्ड बी रुपीज फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी और फिर कॉस्ट ऑफ फील्ड से अब हम इन तीनों को करेंगे एड और हमारे पास आंसर क्या आया वन लैख एटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज सो दस्ट ऑफ ऑल द्री फील्ड टूगेदर इज रुपीज दिस मच चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं थुलसी और उसके हजबैंड के बारे में थुलसी एंड हर हजबेंड वर्क ऑन करुनिया फार्म ये दोनों मिलके करुण्या के फार्म में काम करते हैं द गवर्मेंट हैज सेट दैट द फार्म वर्कर्स शुड बी पेड एटलीस्ट एटलीस्ट मतलब इतना तो देना ही चाहिए एटलीस्ट रुपीज सेवेंटी वन फॉर वन डेज वर्क एक पूरे दिन में सुबह से शाम तक जो ये दोनों काम करेंगे और जितने भी वर्कर्स काम करेंगे हर एक को एटलीस्ट मिनिमम सेवेंटी वन रुपीज तो देना ही है उससे ज्यादा भी दे सकते हैं उनके काम के ऊपर बट लेकिन करुणिया क्या करता है He pays 55 तो थुलसी and 58 तो हर वो उसे कम देता है अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इफ थुलसी वर्क्स फॉर फोर्टी नाइन डेज हाउ मच मनी डज शी गेट तुलसी को एक दिन में कितना मिल रहा है रुपीज फिफ्टी फाइव मिल रहा है फोर्टी नाइन डेज में कितना मिलेगा फोर्टी नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी फाइव से उसके बाद पूछ रहे हैं इफ आर हस्बैंड वर्क फॉर फोर्टी टू डेज हाउ मच मनी डज ही गेट हस्बैंड को एक दिन में अगर फिफ्टी एट मिल रहा है तो फिर फोर्टी टू डेज में कितना मिलेगा फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी एट है ना सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट

और उसने काम किया फोर्टी टू डेज सो फॉर थर्ट सो फॉर फोर्टी टू डेज वर्क ही गेट्स रूपीज फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी एट नाउ लेटस मल्टीप्लाई दीज टू नंबर एट एंड फोर्टी टू मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बड़ा वाला नंबर जो है उसको मैं ऊपर रखू सो लेटस डू सो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन वी गॉट द आंसर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स एंड दिस इज द अमाउंट तुलसीज लेस गेट्स इसी आंसर को हम अपना टेक्स्ट बुक में भी लिख लेते हैं इफ़ तुलसी वर्कस फॉर फोर्टी नाइन डेज हाउ मच मनी शी गेट्स तुलसी विल गेट टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज़ फॉर फोर्टी नाइन डेज और उसके हस्बैंड को कितना मिलेगा फॉर फोर्टी टू डेज दैट इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज फॉर फोर्टी टू डेज अब क्वेश्चन एक और है फाइंड द मनी दे अर्न टूगेदर दोनों मिला के कितना अर्न करते हैं उसके लिए हमें इन दोनों को करना पड़ेगा एड वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द मनी दे अर्न टूगेदर दे अर्न टूगेदर इज रुपीज फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी वन रुपीज एंसर नाउ लेट एस मूव फॉरवर्ड ये क्रो क्या बोल रहे हैं यहाँ एंड वाई डज ही पे लेस टू तुलसी एंड मोर टू हस्बैंड कारुण्या जो है वो तुलसी को लेस कम देता है और उसके हस्बैंड को मोर देता है ऐसा क्यू लेट डिस्कस इसका तो कोई करेक्ट आंसर हो नहीं सकता ये डिस्कशन है मे भी तुलसी को घर में काम वाम करना होता है वो घर जल्दी चली जाती है इसलिए या फिर उसके हस्बैंड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा घंटे काम करता होगा इसलिए हस्बैंड को ज़्यादा अमाउंट मिलता है या फिर कारुनिया जेंडर बायस करता होगा आई डोंट नो व्हाट मे बी द रीजन एंड आल्सो वन थिंग ही डज नॉट गिव देम द मिनिमम वेज मिनिमम वेज रुपीज सेवेंटी वन था जो हमने स्टार्टिंग में ही रीड कर लिया था लेकिन कारुनिया इन दोनों को मिनिमम वेज भी नहीं देता वेज मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी विच टू बी गिवन टू एवरी वर्कर लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है जो कि सही नहीं है कानून की नज़र में लेट एस मूव ऑन पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन आई सॉ दिस इन द न्यूज पेपर गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट हैस देन दिस सैलरी फॉर अ डे तो हर एक स्टेट ने अपने लिए कुछ अलग अलग रूल्स बना रखे हैं कि जो फार्म में खेतों में काम करने वाले वर्कर हैं उन्हें इस से कम पैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए अगर कोई भी ठेकेदार ऐसा करता है तो उन्हें जेल भी हो सकती है जैसे हरियाणा में क्या बोल रहे हैं कि सभी वर्कर्स को एक दिन के लिए फॉर वन डे दे शुड बी पेड रुपीज़ वन हंड्रेड थर्टी फाइव राजस्थान में एक एक वर्कर को एक दिन के लिए सेवेंटी थ्री रुपीज़ देना ही पड़ेगा मध्य प्रदेश में एक वर्कर को एक दिन के काम के लिए टेबल हियर शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय फोर स्टेट्स. लेट एस रीड द क्वेश्चन नंबर ए फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स्ड द हाइएस्ट अमाउंट एंड विच स्टेट हैज फिक्स्ड द लोएस्ट सबसे हाईएस्ट अमाउंट देखिए अब हमें टेबल से इंफॉर्मेशन निकालना है और हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे हाईएस्ट अमाउंट मतलब सबसे ज्यादा आंसर इज हरियाणा एंड विच स्टेट है लोएस्ट so सबसे कम किसने फिक्स किया हुआ है सबसे कम है ये वाला रुपीज 73, जो कि है राजस्थान सो so तो लिखेंगे हरियाणा और लोएस्ट में आप लिखेंगे राजस्थान पढ़ते हैं हम क्वेश्चन बी भैरोन सिंह भैरोन सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान इफ ही वर्कस फॉर एट वीक्स ऑन अ फार्म हाउ मच विल ही अर्न एक दिन में राजस्थान में एक इंसान को सेवेंटी थ्री मिलता है एक दिन के हिसाब से हम सबसे पहले हम पहले वन वीक का निकालेंगे क्योंकि हम one week को days में convert कर सकते हैं। उसके बाद वन वीक जब निकल जाएगा उसके बाद हमें eight, eight weeks का भी निकालने में easy होगा। हम eight से से आराम कर सकते हैं। फॉर वन डे भैरो सिंह विल गेट रुपीज सेवेंटी थ्री क्योंकि ये राजस्थान स्टेट का है और एक दिन में और एक वीक में क्योंकि सेवन डेज होते हैं हमने वीक को डेज में कन्वर्ट कर लिया So for seven days he will get rupees seventy three multiply by seven. Now let us do this multiplication. Seventy three multiply by seven. Seven threes are twenty one. One लिखेंगे हम two carry seven seven forty nine forty nine plus two fifty one. So answer is rupees five. Answer is rupees five hundred eleven. अब हमें eight weeks का निकालना है. So our statement is for one week of work, Bhairav Singh gets rupees five hundred eleven. So, for eight weeks of work, he will get rupees five hundred eleven multiply by eight. और इस मल्टीप्लीकेशन को करके हमें मिला रुपीज फोर थाउजेंड एट सो फॉर एट वीक्स ऑफ वर्क भैरोट रुपीज फोर थाउजेंड एटी एट रुपीज चलिए पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा इफ शी वर्क्स फॉर टू एंड हाफ मंथ्स ऑन द फार्म दैन हाउ मच मनी शी विल अर्न सबसे पहले हरियाणा में एक दिन में एक इंसान को कितना मिलता है वो देखते हैं हरियाणा में एक दिन में एक इंसान को रुपीज़ वन हंड्रेड थर्टी फाइव मिलता है अगर एक दिन में वन हंड्रेड थर्टी फाइव है तो सबसे पहले हमें वन डे से वन मंथ तक का कैलकुलेशन करके निकालना है वन मंथ हम स्टैंडर्ड ले लेंगे थर्टी डेज़ क्योंकि यहाँ पे तो मंथ स्पेसिफाई नहीं है इसलिए हम थर्टी डेज स्टैंडर्ड लेके चलेंगे वन मंथ का जब हमें मिल जाएगा तब हम उससे टू मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे टू मंथ का कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास और आधा पोर्शन बच जाएगा हम हाफ़ कैसे निकालेंगे हम इस वन को हाफ कर देंगे मतलब वन मंथ में नीलम जितना अर्न करती है हाफ मंथ में उस वन का हाफ ऑन करेगी है ना उसके बाद हम वन मंथ की अर्निंग टू मंथ की अर्निंग और फिर हाफ मंथ की अर्निंग को कर देंगे एड और हमारे पास आंसर आ जाएगा ओके okay, तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे सो द स्टेटमेंट इज फॉर वन डे नीलम गेट्स रुपीज वन हंड्रेड थर्टी फाइव क्योंकि ये हरियाणा का एटलीस्ट मिनिमम डेली वेज है उसके बाद आकर एक दिन में वन हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीज मिलता है तो फिर वन मंथ में कितना मिलेगा वन मंथ में थर्टी डेज हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं इसीलिए हम वन हंड्रेड थर्टी फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्टी से और इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आया फोर थाउजेंड फिफ्टी रुपीज ये नीलम को वन मंथ के लिए मिल रहा है अब हम निकालेंगे कि टू मंथ में ये कैलकुलेशन कितना आता है दिस मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई टू और इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आया रुपीज एट थाउजेंड वन हंड्रेड दिस इज द अमाउंट नीलम गेट्स फॉर टू मंथ्स अब हम हाफ मंथ का निकालेंगे अब हमारे पास हाफ मंथ का कैलकुलेशन और बाकी है हमने वन मंथ के लिए कितना निकाला था वन मंथ के लिए हमने निकाला था ये वाला अमाउंट फोर थाउजेंड फिफ्टी रुपीज वन मंथ की अर्निंग अब हाफ मंथ की अर्निंग कितनी होगी वन मंथ का आधा होता है हाफ इसीलिए इस अमाउंट का भी अगर हम आधा निकाल लेंगे तो वो होगा आधे मंथ की अर्निंग दैट इज फॉर 15 डेज क्योंकि 30 का हाफ 15 डेज होता है सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट और इस को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय टू करेंगे सो फॉर वन मंथ शी गेट्स रुपीज फोर थाउजेंड फिफ्टी फॉर हाफ ऑफ द मंथ शी गेट्स रुपीज फोर थाउजेंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू लेटस डू दिसन टू टू नीचे बचता है जीरो अब टू तो नहीं आता टू के टेबल में इसीलिए टू ज़ीरो जीरो, अब हम फाइव नीचे लाएंगे फाइव उसके बाद टू टू ज़ा फोर वन रिमाइंडर बचता है उसके बाद ये लास्ट वाला ज़ीरो नीचे फाइव टू ज़ा टेन और इस तरीके से हमारा पूरा डिवीज़न कंप्लीट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आया आधे मंथ की सैलरी कितनी है मिनीलम की टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ सो लेटस राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर हाफ ऑफ द मंथ शी गेट्स रुपीज टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अब हमें क्या करना है नीलम का टू एंड हाफ मंथ्स का अर्निंग हमें निकालना है तो टू एंड हाफ मंथ्स का हम अर्निंग कैसे निकालेंगे टू मंथ्स का जितना भी अर्निंग आया था उसको हम हाफ मंथ्स के अर्निंग के साथ एड कर देंगे सो फॉर टू एंड हाफ मंथ्स शी विल गेट रुपीज फॉर टू मंथ्स एंड देन रुपीज फॉर हाफ ऑफ द मंथ दउजेंड वन हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव दट इज इस एडिशन को करने के बाद हमें मिलता है रुपीज टेन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव द अमाउंट नीलम गेट्स फॉर टू एंड अ हाफ मंथ्स उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन ओरिसा आफ्टर वर्किंग फॉर नाइन वीक्स इस क्वेश्चन का मतलब है कि मध्य प्रदेश में काम करने वाला एक वर्कर जो है उसे नाइन वीक्स काम करने के बाद कितना ज़्यादा पैसे मिलता है ओडिशा में काम करने वाले एक वर्कर से और ये ओडिशा का वर्कर भी नाइन वीक्स जितना ही काम करेगा तो हमें क्या करना है मध्य प्रदेश में काम करने वाले वर्कर का एक दिन का तो सैलरी टेबल में लिखा है एक दिन से हम पहले वन डे के कैल्कुलेशन से अमाउंट से वैल्यू से वन डे के वैल्यू से हम पहले वन वीक का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वन वीक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेज में उसके बाद वन वीक का जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगा उससे हम ये वाला नाइन वीक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और सिमिलरली ये तो हम मध्य प्रदेश के बारे में निकालेंगे उसके बाद हम ओडिशा में काम करने वाले वर्कर का भी सेम मेथड में नाइन वीक्स का अर्निंग निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में काम करने वाला वर्कर कितना ज़्यादा अर्न करता है ओडिशा के वर्कर से और वो हम कैसे करेंगे जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटे वाले नंबर से मतलब मध्य प्रदेश के वर्कर की अर्निंग से हम सप्ट्रैक्ट कर देंगे ओडिशा में काम करने वाले वर्कर की अर्निंग को और फिर जो डिफरेंस होगा वही से हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा कमाया है यहाँ के इस इंसान ने और वही डिफरेंस होगा हमारा आंसर तो बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कैसा आता है तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के वर्कर को देखते हैं अर्निंग फॉर वन डे इज रुपीज नाइनटी क्योंकि यहाँ पे हमारे टेबल के हिसाब से ये जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में अर्निंग नाइन्टी सेवन रुपीज़ है तो उसी लिए वन डे की सैलरी हमने यहाँ पे नाइन्टी सेवन रुपीज़ लिखा है अब क्योंकि वन वीक में सेवन डेज होता है तो हम अर्निंग फॉर सेवन डेज निकालते हैं वन डे के लिए अगर नाइन्टी सेवन रुपीज़ है सेवन डेज के लिए कितना होगा नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन अब इस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमें मिला सिक्स हंड्रेड सेवेंटी नाइन रुपीज़ सो दिस इज़ द अर्निंग फॉर वन वीक सो इफ द अर्निंग फॉर वन वीक

यहाँ पे ओडिशा में काम करने वाले वर्कर को कितना मिल रहा है रुपीज सेवेंटी फाइव इन वन डे सो द स्टेटमेंट इज फॉर वन डे द वर्कर इन ओडिशा गेट्स रुपीज सेवेंटी फाइव और क्योंकि वन वीक में सेवन डेज होते हैं फॉर सेवन डेज ही विल गेट रुपीज सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन जो कि आता है रुपीज फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव उसे वन वीक के लिए मिल रहा है तो नाइन वीक्स के लिए कितना मिलेगा लेटस्ट राइट द स्टेटमेंट फॉर वन वीक

एम पी वर्कर गेट्स मोर देन ओडिशा वर्कर इज रुपीज सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन माइनस रुपीज फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्योंकि इन दोनों वर्कर ने सेम टाइम काम किया नाइन वीक्स के लिए दोनों ने काम किया लेकिन एम पी के वर्कर को मिला इतना सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन और ओडिशा के वर्कर को मिला इतना फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो फिर इस इंसान को तो ज्यादा मिला ना अब कितना ज्यादा मिला वही हमें पूछ रहे हैं और उसके लिए हम करते हैं सब और हमारे पास आंसर आता है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट एम पी वर्कर गेट्स मोर देन ओडिशा वर्कर एंड दिस इज योर आंसर सो वी विल स्टॉप आवर पार्ट टू वीडियो हेयर ओनली आगे का चैप्टर जिसमें हम फार्मर्स इन विदर्भा और फिर सतीश की कहानी पढ़ेंगे हमारे पार्ट थ्री वीडियो में जिसका लिंक आपको बहुत ही जल्दी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो स्टे ट्यून्ड वी विल मीट वेरी सुन टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपक